क्योंकि जो हमने यूनानी इलाज है इससे अच्छा वाकई गसा हम ये तो आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। यहाँ से हम जो मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं और ये 100% फ्री है मेडिसिन। अच्छा, बिल्कुल फ्री 100% फ्री है। सारी दवाई जो है फ्री 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 मिलती है यहाँ से, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज, जीरो चार्ज। इस यूनानी इलाज अत मुतलिक क्या तुहुंद अच्छा सही आसान असर आसान जस बो माने पुराने जमाने ते इस करान यूनानी इलाज आज जेरी बूटी वेरी बूटी ये थी आज वबदान। अच्छा, मगर गाय दार सी छ पता कत क्या छ आज मा छ पता बकिन जाइन गसन पर टच पे मन सास बोदी पोंस तो पोंस पोंस तो छ हालांकि छ सॉरी फ्री गसन छ सॉरी फ्री नॉमिनल चार्ज वेरी लेट इट्स नो प्रॉफिट नो लाइक कोता छ गसन अगर 500 रुपया जा छ 500 चीट वीट है चीट वीट है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तोंद सडा सडा खैर मकदम कश्मीर क्राउन वछी खतर तो कशीर सच सच दुनिया मंज वुछन वालन तमाम नाजरीन सान तरफ माय बरुत सलाम। आज यह जायस मौजूद छ योर छ कशीर हिंदे हर कोन पेट सो इंसान इवा सो बीमार पेशेंट इवा यस वाकी अक उम्मीद छासा हस्पतालन सीत। दोस्तों इछ यूनानी हॉस्पिटल श्रीनगर शाल्टिंग विकनस अथ अंदर मौजूद ये क्या क्या फैसिलिटीज आखिरकार सरकार थायम सरकार अगर हर दो निशान तनकीद बनाव सुचुन ठीक कह सरकारी सतह पे वह तिस् काम एप्रिशिएट कर सठा सठा जरूरी आसान ताकि हौसला अफजाई गज डॉक्टर हिंस ताकि ये वाबस्त लूख तिमन ते गच एक किस्म का मोराल बूस्ट इशू। बिल्कुल तुम वो कि शाल्टिंग हॉस्पिटल तो अस्सलाम वालेकुम हज सब ठीक छुआ असल पे छुआ कत पे आए टंगमर्ग पे टंगमर्ग पे गो वाकी ची हस्पताल युत के योर छु तो ये वहां इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुन में खुदा सुन आ टाइम वो तो ये वहां आज के त्रेम चक्कर यो अच्छा त्रेम चक्कर पासा छ कि वाकी ची दवा बिल्कुल बिल्कुल हां तो बिल्कुल शफाय ना शफाय हसन फारुक डॉक्टर सो फारुक सब से नु नाम बता फारुक सो फारुक सब ची चपर गसा हां फारुक सो फारुक सो बा हां तो मैं तो यू सी यूनानी इलाज अत मुतलिक क्या तो अच्छा सही आसान असर आसान जस बो माने पुराने जमाने ते करान यूनानी इलाज आज जेरी बूटी वेरी बूटी ये थी आज वबदान। अच्छा, मगर गाज दार सी छ पता कत क्या छ आज मा छ पता इसलिए छ गुमत जो खुश छु तु कि ये फैसिलिटी इंशाल्लाह अछि यो उम्मीद सान यो ये हाज बाल ते तति घुस आसे तति घुस ना आज के पने ये री मगर वो में थ छि यो ख्याल थाउन पने निदारन तक ख्याल थाउन सडा सडा शुक्रिया सडा सडा शुक्रिया। चलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों तो वो अचानक कर इमन सत कत विकनस तो करो जरूरी आज कोशिश विकनस सकनस सत मौजूद ये हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक नक्शबंदी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर साहब सठा सठा मुबारक तो सान तरफ चूंकि इस हॉस्पिटल ये वह उम्मीद लूकन जुड़ित अस तर लूकन सत गई करो शुरुआत ये हॉस्पिटल मुतलिक वन तो तुम सान बेमार खतर क्या क्या सहूलियत अवेलेबल 60 बेडेड यूनानी हॉस्पिटल रिसेंटली कोर गवर्नमेंटन मुंसलिक यूनानी मेडिकल कॉलेज गांधरबल मं शुरू कर तथा सज एज ए टीचिंग हॉस्पिटल तो जसास त्रहस मज गई ये हॉस्पिटल चेज कंस्ट्रक्शन शुरू तो जसास दहस मज गई हॉस्पिटल कमीशन एज एज अ सिंगल यूनानी हॉस्पिटल उस कशीर डिवीजन खतर ये कन पेशेंटन कैटर सर्विसेज करान इन आयुष सिस्टम्स योतान ये हॉस्पिटल तालुक वनस हॉस्पिटल यम बेसिक्स बेसिक फैसिलिटीज तुम सारे अवेलेबल हॉस्पिटल मज तथ मे ओ पी डी सर्विस थोम ओ पी डी सर्विस मैं आर्थोपेडिक सर्विस ओ पी डी लूख तान बिल्कुल यपो पी डी तल थोड़ा त्रव जाय बिल्कुल जनाब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों योर से ओ पी डी नंबर 3 विकनस ये तो योर तचो विकनस शुक्र। बस डॉक्टर इरफान मेडिकल ऑफिसर
या डिपार्टमेंट्स में चुस बहसियत मेडिकल ऑफिसर ये पन फरज अंजाम दिवान ये बिल्कुल इनफ्लक्स ऑफ पेशेंट ठीक ठाक ऑन एन एवरेज वचान तकरीबन 60-70 पेशेंट हर एक ओपीडीएस में मीन्स इनफ्लक्स पर डे यहाँ पे रहता है कम से कम 400 पेशेंट्स का। और यहाँ पे पेशेंट्स को अच्छा खासा यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फिशंस की भी फैसिलिटी है, ऑर्थोपेडिक की भी फैसिलिटी है। पर्टिकुलरली यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं जो नेफ्रोलिथिस के पेशेंट होते हैं जहाँ पे उनको अपने तर्ज इलाज से हम उनको दवाइयाँ देते हैं तो बखूबी उनके वो कैलकुले ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, इट्स डॉक्यूमेंटेड विद मी, वीडियोग्राफ्ड भी है, उनके कैलकुले पासिस होते हैं सर्जरी के बगैर। हम अपने हर्बल मेडिसिन से उनको हम अपनी ट्रीटमेंट देते हैं तो वो शफायाब होते हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब यह उस ओ पी डी नंबर त्रे अस मे बसा बाकी ओ पी डी तर वो बिल्कुल तो ये तो फारूक साहब यम पेशेंट योर अक्सर क्या तमन शिकायत क्या तम कि कस कस दौद डिफरेंट पेशेंटस मगर ज्यादा तम पेशेंट्स क्रॉनिक यम बड़ डिजेक्टेड आसान छे तिम छे वरियन कालन आसान तिमो बड़न बड़न हस्पतालन बड़न बड़ा ई छो बड़न बड़न या जे हॉस्पिटल मज इलाज करमन बड़न बड़न स्टेट ओपेट अच्छा स्टेट दुमे छे आसान आ पत तिम छे आसान बड़ डिजेक्टेड फाइनली छो तुम बोजान आस हस्पताल लोकन से बकन से पेशेंट से मशवर करता ते तुम छे पत इवा बड़ होप हेत अच्छा बड़ उम्मीद हेत अस निश के यत हॉस्पिटल मज वतित गसो इस ठीक है ते सु छो अख चैलेंज आसान अस खतर सु तुम पेशेंट क्या कहना चाहेंगे सुबह से पेशेंट्स को देख रहे हैं बड़ रश है तो वनु टिजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए एंड आई एम हियर वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष आई डिड माय बीएमएस फ्रॉम जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली इन 90s तो उसके बाद यहाँ अब ये हमें यहाँ खदमत करनी ये हमारे पेशेंट्स यहाँ पे है यू कैन गेट देयर जस्ट नाउ अभी मेरे पास पारिमपोरा का ये बच्चा आया है दिस इज़ द एज यू प्लीज शो हिम इसका ये बड़े दिनों से आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन एग्जिटी आई एम लुकिंग हियर द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स अभी जो इंसानियत को बड़ा मसला है जो हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन इसमें जो हमारा जो हेल्थ डिटेरेट हो रहा है दोज डिजीज आर कॉल्ड हेल्थ व्हाट इज़ कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स इसमें मेन है डायबिटीज़ है हमारा जो फैटी लिवर यहाँ हर तीसरे आदमी को है वी डू हैव व्हाट इज़ कॉल्ड ये डायबिटीज़ है कार्डियक जितने भी आप पेशेंट्स यहाँ पे देखोगे सर जो यहाँ पे तो डॉक्टर साहब की सदस्य और गवर्नमेंट की वजह से व्हाट वी आर जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास विटामिन सी की या कमी है बच्चों में वी डू हैव डिसऑर्डर से मैं यहाँ पर देखता हूँ सर ये हमारा तो चल रहा है इसमें तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही ज़्यादा हम देख रहे हैं क्योंकि इट इज़ एट द एबंडेंस एंड वी हैव टू कश्मीर में से ये मामला ये सर हर जगह थ्रू आउट वर्ल्ड ये है बिकॉज नाउ डे इट इज़ कॉल्ड जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे हैं ये हर तीसरे आदमी को है क्योंकि जो हमने यूनानी इलाज है इनसे अच्छा वाकई गसा हम ये तो आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं और यहाँ से जो यहाँ से निकल रहे हैं जैसे आज मैं आपको आई कैन शो यू एंड आई कैन डिस्कस यू विद यू दीज आर माई पेशेंट इनसे आप कह सकते हैं कितना किसी का फैटी लिवर ग्रेड थर्ड था तो वहाँ से आके वो सेकेंड पर आ गया ये बच्चा है 7 साल का कॉन्स्टिपेशन पिछले 4 साल से है ही हैड कम टू मी and we have treating with RK Bajan and other those ye aapko khud bol sakte hain patient se feedback lenge assalam alaikum alaikum assalam unani hospital ha waqi cha farak 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 wajah wajah farak theek hai bas hai farak farak bas hai ٹنگمرگہ پہ گوڈنچ لٹہ بوز یہ بوز یہ بڑا مبارک فاروق صبس تہ مبارک یت ہاسپٹلس تہ اصل سٹھا سٹھا شکریہ فاروق صاحب بیاکھ اک چونکہ ڈاکٹر صاحب کر لائف سٹائلش کت یہ بڑا امپارٹنٹ تو یونانی علاج چونکہ باقی کرو نا کمپیئر کی اس انگلش میڈیسن مگر تہ باسان کہ واقعی یم سیت اک شفا یاب گا 100% اگر تھی وم تہ میٹابولک ڈس آڈر یتھ ونان لائف سٹائل ڈس آڈرس یہ ریسنٹ چیلنج اک میڈیکل سائنسز تو یت اگر ات مز وچھو تہ پتہ کہ انڈیا از گوئنگ ٹو بی دا ڈائبٹک کیپٹل آف دا ورلڈ یعنی شگرک یم مریض تم ساروی کھت زیادہ ہندوستانس مز پتہ اگر تہذ طرز کشیر مز تھی شگرک مریضن ہز تعداد زیادہ وجہ سون یہ کہ سیڈنٹری لائف اس آرام دہ پن زندگی بنو سو اٹ از اے چیلنج فار میڈیکل سائنسز کیاز اس امپروٹس انفیکشس ڈزیزز ونکینس سہ چیلنج کی ونکینس
میٹابولک ڈس آڈرس سو چل یا لائف سٹائل ڈس آڈرس الحمد للہ یوتھ سون سسٹم آیوش سسٹم آف میڈسنک تعلق اچھو شروع پٹھے تریو طریقوں علاج کر گو ڈائٹو تھرپی دم گو یہ ایگزرسائز ست ونان ورزش تریم گو پہ لاسٹ میڈسنس پہ ہاں تو سات طریقے اکثر ڈاکٹر صاحب یونانی علاج یونانی یہ کمپرہینسو علاج اخذ یہ کہ دوہ یوت کہ مریضس مریضس پرہیز تہ ون مریضس آج زیادہ آمت ہاسپٹل وچنے پلیز السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہے شکر شکر اللہ کا بہت بہت سر کہاں رہتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آپ میں یہیں سری نگر میں ہی رہتا ہوں بیمنا سے ہی آتا ہوں جی 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 بالکل کیا سروسز یہاں پہ میں یہاں پر جو یہ او پی ڈی دیکھ رہا ہوں میں زیادہ تر یہاں پر عورتوں کا دیکھتا ہوں جی عورتوں جی جی کیا ہمارے پیشنٹس کا حال ہے ان ٹرمز آف عورت بہت ہی شکر اللہ کا ہے کہ بہت ہی اچھا ریسپانس مل رہا ہے ہمیں یہاں پر جی بیسیکلی جو ہمارا یہ لائن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ ریجنل تھیراپی سے شروع ہوتا ہے جیسے ہم حجامہ وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر کپنگ کرتے ہیں مساج وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے خاص کر آسٹیو آرتھرائٹس بہت کامن ہے یہاں پر ہمارے کشمیر میں ڈسک پرابلمس بہت زیادہ فیڈ بیک کیا آتا ہے پیشنٹس کی طرف سے بہت ہی اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بیسیکلی آج چھٹی بھی ہے تو ادروائز آج بھی ہم نے بہت سارے پیشنٹ کم سے کم 250 پیشنٹ ہم نے کر کے ابھی میں نے بالکل یہ تو بڑی بڑی ہے 50-60 پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں تو اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ریسپانس ہے بہت ہی اچھا آپ جب آپ بھی دیکھیں گے دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں جی مہو منگت سے آتے ہیں رام بن سے آج پیشنٹ تھے بانال سے پیشنٹ آئے تھے ٹنگڈار سے پیشنٹ آئے تھے آج تو یہ آج کی بات بول رہا ہوں روٹین میں تو یہی چلتا رہتا ہے کہ بہت ہی فار فلنگ ایریا سے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ ایک امید لے کے آتے ہیں ہمارے پاس اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر بھی ان کو اچھا ریسپانس مل رہا ہے اچھے فری ڈرگس بھی مل رہے ہیں ٹریٹمنٹ بھی اچھا مل رہا ہے تو اچھا ریسپانس ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تھینک یو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل کے موجود ہیں اور ہم ان سے بھی اس وقت گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب چونکہ اگر یہ ہاسپٹل کات کرو اس وریا رش مگر یہ رش کیٹر کرن ات رشس واتن امن پیشنٹن واتن تیچھو ڈاکٹر صاحب اٹس چیلنج فار اس مگر الحمدللہ ہمارے پاس میڈیکل سٹاف ہے میں یہاں بہت ضروری یہ کہنا سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہے ڈاکٹر موہن سنگھ جی وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں کہیں کسی بھی فیسلٹی کی ضرورت ہو وہ آگے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو رہتے ہیں اور وہ فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جہاں بھی کسی چیز کی ریکوائرمنٹ الحمدللہ میرے پاس اچھا سفیشنٹ میڈیکل سٹاف ہے ڈاکٹرز کی تعداد اچھی ہے ڈاکٹرز کی تعداد بھی ٹھیک الحمدللہ پیرامیڈکس باقی پیرامیڈکس کی بھی ہے تھوڑی بہت شارٹیج ہے لیکن ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ بھی ہم کور کر دکھا دیجیے ہمیں یہ ہماری یہ فارمیسی ہے بالکل دیکھنا چاہیں گے جی 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 تو یہ آپ کی فل فلیج فارمیسی ہے یہاں سے ہم جو میڈیسن پیشنٹس کو دیتے اور یہ 100% فری ہے میڈیسن بالکل فری 100% فری ہے ساری دوائی جو ہے فری ملتی یہاں سے کوئی چارج نہیں زیرو چارج کوئی چارج کیا میڈیسن تھوڑا سا دکھا دیجیے میں دیکھیے یہ جیسے یہ ہے شربت بڑی مشہور ہے مشہور یہ دیکھیے ڈابر کی ہے دس از جیسے ابھی آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے میٹابولک ڈس آرڈرس کی یہ لہسن دوٹ ایک بہت اچھی دوائی ہے اگر ہمارے خون میں کولیسٹرال یا فیٹی ایسڈس یا ٹرائیگلیسرائیڈز بڑھے اس کے لیے ہے یہ ہماری یہاں دیکھیں یہ بڑی شربت بڑی مشہور ہے یہ دیکھیں یہ عرق ہے ہاں تو ہر چیز آپ کو ملے گی اور یہ ہمارے پاس کم سے کم 100 قسم کی دوائی 100 سے زیادہ قسم کی دوائی جو ہم فری دیتے ہیں پیشنٹس کو ایک دو اگر کوئی کمی پیشی تو وہ بازار سے خریدتے ہیں باقی دوائی کوشش یہی کہتے ہیں کہ 100% دوائی شربت کھاکسی یہ فیور کے لیے آتی ہے فیور کے لیے یہ بچوں کے لیے ہے لیور ٹونک جو لیور بچوں کے لیور ڈس آرڈرس ہے ان کے لیے بچوں کے لیے ہے تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں ہر چیز
कवर करे हम जेरियाट्रिक यानी जो हमारे ओल्ड एजेस पेशेंट उनके लिए और बच्चों के लिए और फीमेल्स के लिए यंग फीमेल्स के लिए यंग मेल्स के लिए जिन यूनानी 100% यूनानी और जैसे मैं बताऊं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो आयरन लेती है हमारी फीमेल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उससे बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी बड़े साइड इफेक्ट्स है उनके जो स्टामक इरीटेशन करती तो उसका जो पेशेंट कंप्लेंट्स बड़ा कम लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हम दवाई उनको देते हैं वो बड़ा अच्छा कंपेटेबल रहता कंप्लेंट्स उसका अच्छा रहता आती है यहाँ पे बहुत सारी आती है हमारे पास दवाई के लिए दवाई लेकिन ये देखिए हम बच्चों का ये इम्यूनाइजेशन सेक्शन भी है बच्चों को जो नवजायदा बच्चे उनके उनके वैक्सीन उस हवालिया जो हमारी प्रेगनेंट लेडीज होती है उनको वैक्सीनेशन की जरूरत वो भी करती है यही सेक्शन भी अलग रखा हमने सेक्शन अलग तो डॉक्टर साहब दवाई आपने कहा कि बिल्कुल ये मुफ्त दवा मिला यूज तो ही चीट कर पानी डॉक्टर साहब लेके दवा मेल मुफ्त 100% मुफ्त उसमें कभी कोई चार्ज नहीं करते हम तो डॉक्टर साहब भी क्या क्या फैसिलिटीज चूँकि एक्सरे इम्पॉर्टेंट आसान या यूएससी सोरी सारे बेसिक फैसिलिटी में आपको तो डॉक्टर साहब ब्याह इम्पॉर्टेंट कत चूँकि अगर इसी हॉस्पिटल कत करो वस अपग्रेड हवाल क्या तुज पॉलिसी तुम बसान कि अपग्रेड पॉलिसी बनाव हाँ जी अपग्रेड हवाल पॉलिसी है कि जो हमारा नेशनल आयुष मिशन है पिछले साल आप मुझे तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद फंड्स उसमें मिले फॉर जो हमारा सिविल वर्क के बिल्डिंग क्योंकि जब सैलाब आया 2014 का उसके बाद से कोई भी तब हवाल तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आया मस से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी आवाम की तरफ से अपने डायरेक्टर साहब का वो उन्होंने बहुत कोशिश की वो पैसे उसमें लाने की तो वो ग्रांट हमें 1 करोड़ की मिल गई हमने वो खर्च की तो अब ये हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे इसकी ये इसकी पूरी नवियत ही बदल गई पूरा शेप ही बदल गया वो जो हमने ग्रांट लाई वहाँ आगे भी हमने प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है अब ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है हम पूरा जो आईपीडी हमने शुरू करने इसी अगले महीने से हम अच्छा इन पेशेंट्स के लिए भी तो इसका मतलब है कि बाज़ाब्ता तौर पर पेशेंट्स को दाखिल भी किया जाएगा पेशेंट्स को दाखिल भी किया जाएगा 24 घंटे हम उनको केयर करेंगे उनको वार्ड में सर्विसेज देंगे वार्ड में इनका इलाज करेंगे जैसे डॉक्टर साहब ब्याह का इम्पोर्टेंट सवाल चूँकि सर्जरी ये अच्छा गसा यूनानी मेडिसिन अभी मैं उसके लिए मैं हाँ बिल्कुल अभी हमने मुझे नेशनल आयुष मिशन में फंड्स मिले ऑपरेशन थिएटर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी डेवलप किया हमने रिसेंटली उसके लिए पैसे हमें मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से वो हमारा तैयार है फुल डॉक्टर साहब ब्याह का कत बड़े इम्पॉर्टेंट अगर इस ये हॉस्पिटल वनस कत करो अपग्रेड हवाले तुम वन कि मजीद ये अपग्रेड पे कोशिश चलान तो तम हवाल देखिए एक बात बताओ इमरान साहब ये एक ही हॉस्पिटल है जो पूरे वैली को कैटर करता है आयुष सिस्टम के यूनानी सिस्टम ऑफ जो ट्रीटमेंट है टेरिशरी टाइप का तो इसको हमें टेरिशरी केयर ही बनाना है और उसी के हवाले से हम आगे बढ़ तमें हिसाब से ब्रोट पकानस तो उसके लिए जो हमें उसके लिए हमें जो फंड्स की ज़रूरत होती वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो उन्होंने स्कीम बनाई नेशनल आयुष मिशन उसमें लिबरल फंडिंग है जो भी हम प्रपोज करते हैं जो भी हम प्रपोजल देते हैं उस नई कोई डिपार्टमेंट शुरू करने से बिल्डिंग को रिनोवेशन रिपेयर करने से तो वो फंड्स उसी में हमें मिलते हैं ये भी एक एरिया है ये भी हाँ फिलिपेटोमी एरिया जहाँ हम फसद करते हैं अच्छा। जो पेशेंट्स को एक टेक्निक होती है इसमें जिसमें हम पेशेंट्स का खून निकालते हैं अच्छा। हर डिजीज़ में एक स्पेसिफिक एरिया से इसी को हम फसद ये देखिए आप देखेंगे हिजामा मोस्ट इसमें हम इसको हम कपिंग बोलते हैं इसमें तौर पर यहाँ पे इलाज चल रहा है आज मैं दिखा तो देखिए आप पेशेंट से बात कर सकते हैं तो जी 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 ये देखिए ये सोरीसिस का एक पेशेंट है जी 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 सोरीसिस एक क्रॉनिक डिजीज है जी जी जी। जिसमें स्किन में बड़ी ये आप देख सकते हैं लिजेंड्स होते हैं पेशेंट्स को और कोई बड़े खुजली होते हैं मिशो सुखसर वथा नजात तो इसमें हम हिजामा इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम दवाई इनको देते हैं थोड़ी बहुत साथ में ये हिजामा भी करते हैं ये देखिए आप ये जो पेशेंट है जिनको कमर में दर्द है ये यहाँ से हम इसको बोलते हैं वेट कपिंग जिसमें हम पेशेंट का जो टॉक्सिक खून होता है टॉक्सिक विद द फुल ऑफ टॉक्सिन वो खून निकालते हैं अच्छा जो जहरीला खून होता है ये वो जो इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं
तो उससे रिलीफ मिलता है। जो एनाल्जेसिक एक तरह से काम करता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है ये प्रोसीजर। यहाँ हम ड्राई करते हैं इस पेशेंट को, आप देखिए यहाँ खून नहीं निकालते, सिर्फ प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। प्रेशर की वजह से वहाँ एक वो वैक्यूम बनता है, वहाँ ब्लड जो फ्रेश ब्लड फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है इस टिश्यू में, तो उसकी वजह से वो डिजीज जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये दिस इज नाउ पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहा है इसको, हिजामा जिसको बोलते हैं, कपिंग थेरेपी। तो हमारे जो हॉस्पिटल जिस वन ऑफ द बेस्ट कपिंग सेंटर कमिंग अप, हाँ, तो और कि हमने इसको डेवलप उसी अंदाज से किया है, तो उसी अंदाज से आगे भी इंशाल्लाह ले चलिए। बहुत अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, चूँकि वरिया तिथ काम हॉस्पिटल्स में गा आम लूकन चुन, चूँकि अगर कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों तक मैं पहुँचूँ, तो आज वो तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम आयो योर तो कम से कम अक आम इंसान मिल तुम बन जान ग पर तब सास बोद पोस तुम हालांकि यह सो फ्री गई सोरी फ्री नॉमिनल चार्ज वेरी लिट नो प्रॉफिट नो कूह अगर रुपये ज्यादा पंच चिट विट यह चार्ज वार्ज कम ये लेबार्ट्री ये हमारी क्लिनिकल लेबार्ट्री अलहमदिल्ला जी। यहाँ ये जितने भी हमारे बेसिक टेस्ट से सब हम करते हैं। अच्छा, ये हमारा हाँ हर किस्म का टेस्ट होता है, सीबीसी एनालाइजर है, जो भी खून के टेस्ट है हम खून के टेस्ट, ये बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, जितने हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट है जो बेसिक लेवल के ऑलमोस्ट सब टेस्ट, यूरिन भी, यूरिन सब कर, यूरिन ब्लड खून के LFT KFT CBC ब्लड शुगर HbA1c सब टेस्ट हम यहाँ करते हैं अलमदा, बेसिक जितने भी हैं वो टेस्ट हम। चार्ज तूत गए बहुत कम, बहुत जो गवर्नमेंट ने रखी है चार्जेस नॉमिनल चार्जेस वो हम लेते हैं, पंद्रह रुपये नहीं उतना भी नहीं है, 20 रुपये 30 रुपये कोई कोई टेस्ट 50 का है। फायदा तुलन आते हैं अलहमदिल्ला, फ़ायदा उठाते हैं लोग, आते हैं फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन और भी चाहे और भी ज़्यादा जो बेचारा हमारा पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आ जाए फ़ायदा उठाए। यहाँ हमारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, मैं खुद एक PhD फैला हूँ इस फील्ड में, मेरे जितने भी डॉक्टर है MD है पोस्ट ग्रेजुएट्स है हमारे, जो अब मैं एक टेली मेडिसन भी सेंटर भी बना रहा हूँ यहाँ, तो हम चाहे जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस के या दिल्ली में दूसरे उनसे भी हम कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट्स के डिजीज़ के बारे में, पेशेंट कंडीशन के बारे में। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भाई, कम से कम आम लोगों को, गरीब को, आदमी को ये पता चले कि हॉस्पिटल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ क्या क्या चीज़ है, तो वो आके इसका फ़ायदा उठाए। सब मैंने ये भी सुना बड़ी दूर से पेशेंट्स आते हैं, मतलब कश्मीर के बहुत दूर दराज इलाकों से, रामबन से, चिनाब। जी जी जी, रामबन से, ये क्या कहते हैं अपना जो पुलगाम जो अनंतनाग है साउथ कश्मीर, यहाँ टंगडार से, मैं खुद टंगडार, कई पेशेंट बेचारे टंगडार से, कुपवाड़ा से, क्योंकि ये एक ही सेंटर है जहाँ जो टर्शियरी केयर में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष में काम करता है, तो पेशेंट और कहाँ जाएगा बेचारा, यहीं आता है। तो अब हमारी दूसरी स्कीम है जो नेशनल आयुष मिशन में, वो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनेगा आयुष, जब तक हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हमारे दो तीन जो डायरेक्टर साहब ने 2-3 डिस्ट्रिक्ट को उनको पैसे भी अलाट हो गए, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया, 1-2 हॉस्पिटल का कम्प्लीट भी हो गया, अब वो डिस्ट्रिक्ट फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो हमें जो रश है वो थोड़ा उसे कम हो जाएगा इस पर बर्डन के, वहाँ फिर पेशेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जाएगा। तो यार डॉक्टर साहब, पेशेंटन अक्सर अख सो जहनस मज कि इंग्लिश मेडिसन हा सो ज़्यादा रिलीफ दिवा रादर देन अगर यूनानी मेडिसन कत करो, ये अख पेशेंट जहनस मज सो खदश हकोसा वन या बे कह हकोस वन तुम क्या बसान अत मुतल डॉक्टर साहब? देखिए जो रिलीफ का काम, रिलीफ की बात नहीं है, रिलीफ ये अगर आपने अभी पेशेंट्स को पेन किलर दे दिया, पेन जो एनाल्जेसिक जिसको, तो उससे क्या होता है उसको एकदम रिलीफ आएगा दर्द में, लेकिन जो डिजीज़ है वो उधर ही है। मैं आप सिंपल बात बताऊं, दर्द किसी डिजीज़ की वजह से, दर्द तो एक बीमारी नहीं है, यही हो गया जो हमारा जो दूसरा एलोपैथिक सिस्टम या दूसरे सिस्टम है वहाँ एकदम रिलीफ हो गया, तो लेकिन डिजीज़ उधर ही हो गया। अच्छा। तो यही फिर लोगों को अब समझ आया नहीं
हमें डिजीज़ का इलाज करना नहीं कि दर्द का इलाज करना है। तो इसीलिए वो हमारे पास आते हैं कि भाई नहीं, हमें ग्रास रूट लेवल से ही डिजीज़ को जिससे होना कि अगर टाइम लगे तो मगर इश्यू इफेक्टिव, इट इज़ 100% विदाउट फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। जो कि साइड इफेक्ट सुच बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल, सुच साइड इफेक्ट सुन के अगर है तो मिनिमल, वेरी वेरी मिनिमल है, वरिया कम, बल्कि नास नसीब बराबर। तो ये हमारा फीमेल जहाँ हम हिजामा करते हैं, अलग टोटली अलग है, यहाँ मेल टोटली अलग नहीं है, पूरा जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्ट पूरे मेरे फीमेल स्टाफ ही काम करते हैं, फीमेल डॉक्टर से। ये देखिए मैं दिखा दूंगा डॉक्टर रजिया, डॉक्टर डॉक्टर खान सा, ये हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये सब इसी में फीमेल सेक्शन में काम करते हैं, यहाँ फीमेल्स के जो फीमेल्स भी आती हैं यहाँ 50%, बल्कि मोर देन 50% जो हमारे जोड़ों के अमराज हैं उसमें कमर के अमराज हैं, 50% से ज़्यादा फीमेल ही होती है। आप डॉक्टर साहब से पूछ जी, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से आप? जी मैं हबक से हूँ। अच्छा, हबक से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रश भी है पेशेंट्स का, पेशेंट्स आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क भी हो रही है पेशेंट्स को। पर डे 50-60 पेशेंट्स हमारे यहाँ होते हैं वेट कैपिंग के लिए। फीमेल फीडबैक है पेशेंट्स का? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। 15 डेज़ के बाद पेशेंट्स आते हैं एंड वो बिल्कुल फिट होते हैं, मतलब उनकी पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ्लो है हमारा, दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कम नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा हो रहे हैं। और फ़र्क भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, तो वेट कपिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड। बाकी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास बिल्कुल अच्छी है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सर ने हर कोई फैसिलिटी यहाँ हमें रखी है, तो सब कुछ बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में होता है एंड इट्स अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र। ओके, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर साहब ब्याह इम्पोर्टेंट सवाल उसे कि अगर इस कत करो लुकन हज लुकन हूँ अक्सर वन कि शुक्रिया कर लू कह मगर ये बात कि ना थैंकलेस जॉब मान नहीं। देखिए मैं अभी मैं मगर तुझे रूझ में ये लूक नार लगे लोग दिन फारक से नहीं नहीं, एक चीज़ है ना कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए फ़ायदा मत बन, मेरा ज़िंदगी का यही उसूल है जब से मैं स्टूडेंट लाइफ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, कि हमेशा जब ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे, लेकिन ये सोचे कि ऊपर कोई आपको देख रहा है और उनकी उसके पास अजर है। ये हमारा ये प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर, एक दर्दमंद एक मजबूर आपके पास आ किसी की उम्मीद होती है। हम अगर चाहे आप उस कुर्सी पे इससे बड़ी इबादत हो नहीं सकते, अगर आपने उसको पेन में रिलीफ दे दिया, उसको बीमारी में रिलीफ दे दिया, उसको आपने आराम बचाया, तो इससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती। देखिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इमरान साहब है, वो है कि एक जो पेशेंट होता है ये मजबूर होता है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व, एक तो ये आपके पास आता है पूरा दिन, एक तो उसका मजदूरी का दिन गया, दूसरा वो लाइन में बैठ के उसको तकलीफ़ में लाना पड़ता है, टिकट लाना पड़ता है लाइन में बैठ के, फिर आपके दरवाजे पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है इसको दर्द में लेके बीमारी में लेके। तो ये सारी अगर आप देखेंगे तो इस आदमी को जब आप रिलीफ देते तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई इबादत है। ये सोच के चलना कि बेचारा इतना सफ़र करके इतने मंजिलों से आके आपके पास पहुंचा है तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, इसको कुछ दे दो, इसकी जो बीमारी उसको दूर करो। तो डॉक्टर साहब ब्याह चीज़ कि यम बच बच बीमार चूँकि लिवर हवाल या खुदा तला बचन कैंसर या अमे अलावा तो कह बीमार किडनी हवाल बड़े वनस लबन तथ मुतलिक ये बिल्कुल। देखिए जहाँ तक लिवर का आपने कहा, लिवर जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसमें लिवर के बीमारियों का कोई इतना इलाज नहीं है, मॉडर्न 100%। आई एम PhD में खुद एक साइंटिस्ट हूँ, उसमें जैसे हमने भी डॉक्टर साहब ने भी हमारे एक ओपीडी में आपसे कहा फैटी लिवर के बारे में, ये एक एपिडेमिक बन गया है यहाँ फैटी लिवर की जो सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ कश्मीर का, बल्कि मैं कहता हूँ दोनों में दो के एक के बाद एक है। अच्छा, इतना ज़्यादा है कि हर ओपीडी जब भी मैं आता हूँ तो फैटी लिवर जी नाश इसको बोलते हैं, एक वो नॉन स्टेट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अब लिवर को वो डैमेज करना शुरू हो जाता है, लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, वजह है हमारी जो सेडेंटरी लाइफ है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से बहुत कॉमन है।
अब उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ऐसे उसको कैसे बचाएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, आयुष सिस्टम में दवाई है जो अगर लिवर को डैमेज हुआ हो उसको वो रिकवर करिए, उसका 100% उसमें पूरा एक साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, एवेलुएटेड है कि वो उसको ठीक करते, जबकि हम दूसरे किसी दूसरे सिस्टम उसमें ऐसा नहीं है, बल्कि दे वेट फॉर द लिवर ट्रांसप्लांटेशन। पेशेंट को इंतज़ार कराते थे कि भाई आपका 40 लाख का ट्रांसप्लांट आता है। तो ये एक हमारी बहुत ही हाईली पॉजिटिव चीज़ है जहाँ से हम इन डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। जो हम ये हमारा कपिंग फीमेल सेक्शन है, उसी का पार्ट है सर। हाँ, इसमें हम एक वो फुल बॉडी मसाज भी करते हैं। अच्छा, जैसे जो हमारे फीमेल्स हैं यहाँ, हम इनके फुल बॉडी जो है इसमें दवाई डाल के इनको इसमें लिटा के, तो ये फिर इसमें क्यों रखा, तो इसमें पानी में दवाई डाल के पूरी बॉडी का एक तरह से मसाज करते हैं, तो दिस इज़ फुल बॉडी मसाज। तो या फिर इसमें कभी कभी हम स्टीम भी डालते हैं जिसमें दवाई होती है, स्पेसिफिक दवाई, तो उससे पूरी बॉडी में जैसे आर्थराइटिस हो या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस आए, ایلوپیتھک حوال اگر اس کات کرو یونانی علاج اس چھ یشن کنت لحاظ دنش پات کی نہ کسی لحاظ سے پات نہیں کسی بھی لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی پات نہیں لوکن چھ اخ سو سو ایک چیز ہے کہ کووڈ میں پتہ چلا نا جونی کووڈ جو پورے ہمارا ویسٹ جو اتنا ڈیولپڈ سسٹم ہے دے لک ایٹ دا آیوش وہ انڈیا سے کہہ رہے چائنا سے کہہ رہے بھائی آپ بتاؤ ٹریڈیشنل سسٹم میڈیسن کیا ہے اس میں ہم کیسے امیونٹی بوسٹ کریں کیسے امیونٹی بڑھائیں گے امیونٹی کو کیسے انہانس کریں گے کووڈ انفیکشن سے ہم کیسے بچیں گے تو کیونکہ اب دے ریئلائز کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہے جو ہماری اس میں ٹیکنالوجی کی ایڈوانس بہت ہے لیکن اگر ایز اے سسٹم آف میڈیسن اس میں بہت ساری جو ہے لمیٹیشنز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جو ہم نے ڈائگنوسٹک جو ٹیکنالوجی اس اپنے سسٹمز میں شروع کی آیوش میں ٹو ایڈ دی انٹو ڈائگنوسس آف دا ڈیزیز ٹو ایڈ ان ٹو دا پریونشن آف دا ڈیزیز تو اس سے جو آیوش کا جو سسٹم اس کا پورا سینیریو ہی چینج ہو گیا دوسرا اس میں جو سب سے بڑی اب گورنمنٹ آف انڈیا نے ریسرچ بہت زیادہ ہائی لیول پہ جو ریسرچز لائی ہے تو اب ہم ریسرچ کے ان دواؤں کا ہم نے آبار دیکھیں منسٹری آف آیوش جو گورنمنٹ جتنے ہماری ڈیولپڈ کنٹریز سے ہر ہفتے تقریباً ایک نہ ایک میمورینڈم ہوتا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ آیوش کے ساتھ مل کے اس ڈیزیز پہ ریسرچ ہوگی تو اگلے آپ 10 سال میں دیکھیں پورا سینیریو چینج ہونا ہے اس جو ہمارا آیوش سسٹم آف میڈیسن ہے پورے بلکہ پورے جو میڈیکل سسٹم ہے اس کا جی ہاں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج کشمیر کراؤن کو اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کے اسٹاف نے آپ کا بہت بہت شکریہ لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اور آج ہم نے یہ کوشش کی دوستوں کہ یونانی میڈیسن کیا چھ اچھ سرکار کی طرف اکھ بوڑ بار ہاسپٹل شالٹنگ سری نگر موجود آیوش میڈیسن یہ فری ملا علاج فری ٹیسٹ فری یو ایس جی ایکس رے نامنل چارجز تو اس پز یمن چیزن ہند استعمال کرن چونکہ سرکاری سطحس پہ ونکس یہ اکھ بوڑ بار قدم تلنا ڈسٹرک لیول پہ تھی سرکار کرا کوشش کہ یم ہاسپٹل ان ڈسٹرک لیول پہ کھولن تاکہ بیس اس پران پہ آمت بوزان کہ اس یونانی میڈیسن اتن سائڈ افیکٹ آسان کہین تین باقی ایلوپیتھک میڈیسن تات ست آسان لیکھت گوڈنیتھی سائڈ افیکٹس لیکن یونانی میڈیسن پران وقت پہ آمت اکھ آزمومت دوا تو اس پز یور یون اس پز یت ہاسپٹلس لول تہ بھر ست ست پز یمک خیال تہ تھاون چونکہ یہ سون ہاسپٹل یہ سون ادار تو یمک خیال تھاون تہ سن کام اگر بیمار آسان مختلف جائن تم ہیکن یور ات تم ہیکن پن علاج یت کرنوت چونکہ اکثر کشیر مز اس وچمت کہ علاج واریہ زیادہ دروگ پرائیویٹ کلینکن پہ اگر گسان غریب انسان تمس تیت واریہ زیادہ فیس نین یا دواس پہ تمس واریہ پونس خرچ کرنا تو یہ بالکل یہ مفت سرکار کی طرف بڑ بڑ ڈاکٹر حالانکہ میتک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ واریہ قابل ترین انسان
ڈاکٹر فاروق نقشبندی صاحب تو کمہ لحاظ یم پنن یس خون پسینہ ایک کر کے اس ہاسپٹل کا خیال رکھ رہے ہیں وہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے بھی سنا، یہاں کے جو پیشنٹس ہیں ان سے بھی ہم نے فیڈ بیک حاصل کیا۔ مشرف وانی اور منظور ڈار کے ساتھ میں شاہد عمران، کشمیر کراؤن کے لیے شالٹینگ یونانی ہاسپٹل سے۔